हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज विंटर सीजन में डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट्स की। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सर्दियां आते ही डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट्स जिनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या सूख रहे हैं या जिनमें फ्लावर आना बिल्कुल से बंद हो गए हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ये हो सकता है कि आपका प्लांट डोरमेंसी में जा रहा हो। तो मैं आज आपको कुछ प्लांट्स के नेम बताऊँगी जो कि सर्दियाँ आते ही अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और फ्लॉरिंग बंद कर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्लांट ये टिकोमा का प्लांट है। फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप इस प्लांट को, इसकी पत्तियां किस तरह से पीली पड़ गई हैं। और इसे देख के आपको लग रहा होगा कि इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लांट डोरमेंसी में जाने के लिए तैयार है, या यूँ कहें देसी भाषा में कि अब ये सो जाएगा और उसके बाद जब उनका सही टाइम आएगा फरवरी मार्च में, ये वापस से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट यदि आपका येलो लीफ हो रही है या फ्लॉरिंग बंद हो गई है, तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, ये प्लांट वापस से अपनी ग्रोथ करेगा। अभी ये अपने डोरमेंसी स्टेज में जाएगा। दूसरा प्लांट ये सोन चंपा का प्लांट है। आपको दिख रहा होगा कि ये लीफ इसकी येलो हो रही हैं फ्रेंड्स, तो ये इस डोरमेंसी की वजह से ही है। जिस तरह से इसकी, हालांकि अभी इसमें फ्लॉरिंग हो रही है और अच्छी तरह से फूल भी आ रहे हैं और बड्स आ रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारी केयर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम प्लांट को कब तक इस तरह से फ्लॉरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं जिससे कि वो डोरमेंसी में एकदम जल्दी से ना जाए। नेक्स्ट प्लांट हमारा गुलाबबास का प्लांट है। ये देखिए, इसमें सीड्स स्टार्ट हो गए हैं बनने, तो इसकी फ्लॉरिंग में थोड़ी सी कमी आ गई है और प्लांट भी अपनी पत्तियाँ पीली करने लगा है। अगला प्लांट अशोक ट्री है। ये भी अपनी डोरमेंसी में जा रहा है और ये इसकी देखिए पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं और ग्रोथ लगभग बंद हो गई है। इसके बाद ये अजवाइन का प्लांट है। ये अभी हरा भरा है लेकिन इसमें ग्रोथ कम हो गई है और धीरे धीरे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी तो ये भी अपनी डोरमेंसी में जाएगा और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एरिका पाम की। यूं तो एरिका पाम साल भर अपनी ग्रोथ करता रहता है, लेकिन उसकी ग्रोथ में स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाती है और उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होती है जो कि आपकी फरवरी से स्टार्ट होती है। तो ये जो इसकी ग्रोथ है इसमें थोड़ी सी कमी आई है और थोड़ा थोड़ा सा पत्तियों ने भी पीलापन आना पत्तियों में स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये भी अपने डोरमेंसी स्टेज में जाने के लिए तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपने मनी प्लांट को बाहर आउटडोर में रख रखा है तो ये भी विंटर में डोरमेंसी में जा सकता है और इसकी ग्रोथ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए आपको इसे सर्दी से बचाना होगा। नेक्स्ट प्लांट रेन लिली है। आप देख पा रहे हैं इसकी फ्लोरिंग लगभग बंद हो गई है और ये भी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी तो अपने डोरमेंसी में चला जाएगा। अगला प्लांट मोगरा, ये भी अपनी डोरमेंसी स्टेज में जाएगा और जब फरवरी मार्च आते हैं तो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। बात करेंगे हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो कि हिबिस्कस है, जो कि साल भर खिला रहता है। ऐसा उसका कोई खास डोरमेंसी में जाने का समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगती हैं तो इस तरह से ये अपनी लीफ झड़ा देता है या इस तरह से इसकी लीफ येलो हो जाती हैं और फ्लावर थोड़े से छोटे आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे बोगनविलिया की। ये प्लांट भी हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ज़्यादा सर्दियाँ आने पर इसमें फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। बात करेंगे हमारा नेक्स्ट प्लांट सदाबहार का प्लांट। ये देखिए, इसमें भी पत्तियाँ पीली पड़ना स्टार्ट हो गई हैं और ये अभी छोटा सा प्लांट लगा था लेकिन इसकी ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट आई है और ये ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी तेज़ी से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो आगे आने वाली और ज़्यादा सर्दियों में इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अगला प्लांट जेड प्लांट है जो कि सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो ये करी लीफ प्लांट है जो कि सर्दियों में अपनी ग्रोथ बिल्कुल से कम कर देता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली होकर गिर जाती हैं। अगला प्लांट पोर्टिला का है। ये देखिए, इसमें भी डोरमेंसी में जाने के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। इसकी ग्रोथ लगभग कम हो गई है और फूल हैं जो वो भी कम आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी थोड़ी थोड़ी सी बर्ड्स आ रही हैं। अगला प्लांट पर्सलिन का प्लांट है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें बर्ड्स आ रही हैं लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी और इसके डोरमेंसी पीरियड में जाने का समय हो जाएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं हमारी तुलसी जी की। ये तुलसी का प्लांट भी
ठंडों में इसके वो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए इसने अभी से पत्ते पीले करने स्टार्ट कर दिए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी आएगी ये पत्ते पीले पड़ जाएंगे या फिर काले पड़ जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट मधुगामनी का प्लांट है, ये देखिए इसमें भी फ्लॉरिंग आना लगभग बंद हो गई है और इसमें ये बड्स बनना भी स्टार्ट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स ये भी अपनी डोरमेंसी में जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकी एक नेचुरल प्रोसेस है और जब फरवरी मार्च का महीना आएगा तो दोबारा से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हर प्लांट की थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करें तो आप विंटर में भी इनको डोरमेंसी में बहुत जल्दी जाने से बचा सकते हैं।